हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। सीपीयू अलोकेशन ये आपको रखना है आपके कोर के हिसाब से, मतलब आपका पीसी का जितना भी कोर होगा उससे आधा कोर इसको देना है। मेरा 6 कोर का है इसलिए मैंने 3 कोर्स दे दिए। उसके बाद मेमोरी अलोकेशन है, मतलब ये आपको रैम पे डिपेंड करती है, इसको आपको रखना है 4GB। 4GB इज द बेस्ट सेटिंग, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद परफॉर्मेंस मोड पे जाएंगे और ये रखना है आपको हाई परफॉर्मेंस पे और 60 FPS। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले रिजोल्यूशन आपको रखना है 920x180p, ये सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन है। दूसरा छेड़छाड़ मत करो आप। उसके बाद पिक्सल डेंसिटी पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने 240 रखा है, मुझे इस पे अच्छे पिक्सल्स आते हैं। और ये तो माउस कर्सर का है, जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हो। उसके बाद जाते हैं ग्राफिक सेटिंग में। ग्राफिक पे मैंने रखा है कंपेबिलिटी मोड और उसके बाद ओपन जीएल रखा है, ये आप भी रख दो, मैं रिकमेंड करूँगा, बेस्ट है सेटिंग। और ये आप देख रहे हो वैसा सॉफ्टवेयर डिकोडिंग रहने दो। और GPU है वो ऑन रखो, जो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है अच्छा वाला तो आप टिक ऑन कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस जाके ये ठीक है, गेम पैड का भी नहीं है कुछ। प्रेफरेंस में जाके भी नहीं, ये थोड़ा बहुत सेटिंग है, ये आपको आपके हिसाब से आप कर लो, ये गेम का तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा है ASUS ROG 2। जब से स्टार्टिंग में स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है तब से मुझे ये बेस्ट परफॉर्मेंस लग रहा है। और मेरे यहाँ पे जियो का अच्छा नेटवर्क आ रहा है तो मैंने जियो सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपके एरिया में जो भी अच्छा नेटवर्क हो तो आप वो रख सकते हो। उसके बाद शॉर्टकट कीज है, आपको जो रखना है तो रख सकते हो। सो दोस्तों, मैं ये सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ और मेरा BGMI इसमें बहुत अच्छी तरीके से चलता है 180p से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे आप मेरे स्ट्रीम पे आके देख सकते हो। मैं डेली तो नहीं लेकिन कभी कभार 8 बजे स्ट्रीमिंग करता हूँ, रात को 8 बजे। अगर इस सेटिंग के रिगार्डिंग कोई बात करना हो तो प्लीज आ जाना, मैं वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।